हेलो गाइज, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम क्या करेंगे, आज हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ और पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि ये पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन परऑक्साइड किससे कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन कैसे निकालता है वो देखेंगे। आज हम इन दोनों का रिएक्शन देखेंगे और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है और उसी ऑक्सीजन को हम लोग इस शैम्पू की मदद से इकट्ठा कर लेंगे जो एक हमें छाक के रूप में मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। तो वही आज हम इस एक्सपेरिमेंट में बनाएंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए इसे घर पर ट्राई ना करें। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी डेंजरस है। ये कभी अचानक से चमड़ी पड़ जाए तो चमड़ी उड़ा सकता है, इतना पावरफुल ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। मात्र 30% है तभी भी इसका पावर बहुत ज़्यादा है। अगर किसी भी चीज़ मतलब किसी कपड़े पे या चमड़ी पे गिर गया तो उसको सीधा कलरलेस कर देगा, यानी वहाँ से सीधा वाइट ही कलर दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो चलिए हम लोग सावधानी से इसमें डाल रहे हैं। उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करने के लिए हम इस शैम्पू का यूज करेंगे। अब इस शैम्पू और हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन डालेंगे और देखेंगे कि रिएक्शन क्या हो रहा है। ये रहा इसमें पानी और हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे और देखेंगे इसका रिएक्शन कैसा हो रहा है। इसका ये बोतल बड़ा होने के कारण ये बाहर नहीं फेंक पाया, लेकिन ये रिएक्शन करके एलिफेंट टूथपेस्ट बना ही दिया है। आप देख सकते हो कितना ये झाग बनाया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम मेटल डालेंगे और देख रहे हैं इस एलिफेंट टूथपेस्ट और सोडियम मेटल के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो मैं बोला था इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और बनाऊंगा भी। इसमें मैं जा रहा हूँ सोडियम मेटल डालने और देख रहा हूँ कि सोडियम मेटल के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है। Thank you.
यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए इसे घर पे ट्राई ना करें।